हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ मैं अपने इस कोर्स में, इंडियन पॉलिटी के कोर्स में, ठीक है, जिसमें आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज एंड शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के बारे में। ठीक है, तो ये पिलर फोर था जिसमें मैंने दो टॉपिक कंप्लीट किए थे। ठीक है, दो टॉपिक मेरे को कंप्लीट करना था, जो कि एक था हमारा यूनियन टेरिटरी, दूसरा था हमारा स्पेशल एरिया, जिसके अंदर दो एरिया आते हैं, एक शेड्यूल एरिया आता है, एक ट्राइबल एरिया आता है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चले। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था मेरे सेवन पिलर्स थे। ठीक है, सेवन पिलर्स में फर्स्ट पिलर मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, सेकंड पिलर मैंने पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, थर्ड पिलर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक, जो हमारा पिलर फोर था, पिलर फोर में क्या था, एक यूनियन टेरिटरी था, एक शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया था, ये दोनों को मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, बट मैंने कंप्लीट ये किया है अनअकैडमी में, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी अपने पहले के लेक्चर्स में कि आपको कैसे जाना है। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको अनअकैडमी का पेज में आप डायरेक्टली वहां पे आप जा सकते हो, वहां पे चले जाओगे और वहां से आप मेरे लेक्चर्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी और शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के ऊपर मैंने 6 वीडियोस बनाई है, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप वो आराम से देख सकते हो। तो मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चले। जो लेक्चर 5 था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। लेक्चर 6 था, ये भी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इनमें से दो थे, एक सीबीआई और एक लोकपाल एंड लोक आयुक्त। ठीक है, इन दोनों को भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको क्लिक करके मेरे ये दोनों लेक्चर्स भी देख सकते हो। ठीक है, ये दोनों लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये लेक्चर्स भी मैंने अनअकैडमी में ही डाले हैं। ठीक है, जहाँ पे मैंने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पूरा पढ़ा है, वहीं पर मैंने ये दोनों लेक्चर्स भी पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद जो पिलर 7 है, ठीक है, ये पिलर 7 है। ठीक है, एक्चुअली मेरा पिलर 7 था वो एक अलग था, बट लेकिन अभी मैंने पिलर 7 को चेंज कर दिया है। एक था सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा मैंने थोड़ा थोड़ा करके बताया था अपने बीच में, ठीक है, पूरा अच्छे से नहीं बताया था, तो मैंने सोचा कि मैं एक और पिलर इंसर्ट, मतलब एक और पिलर इस सिलेबस के अंदर डाल देता हूँ मैं अपने, तो जो कि आपके लिए पूरा का पूरा जो है पॉलिटी का सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इसके अंदर 5 टॉपिक आते हैं, 5 में से एक पार्लियामेंट्री है, एक फेडरल सिस्टम है, एक सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस है, फिर है इंटर स्टेट रिलेशंस, देन इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, कि कितने टाइप की इमरजेंसीज होती है। तो ये मैंने सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में लिया है, इस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, 1-2 दिन के अंदर इसके ऊपर लेक्चर्स आ जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद पिलर 8 है, पिलर 8 को भी मैं इसी मंथ में खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो पिलर 8 में मैं कुछ जो भी इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं वो सारी चीजें मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है गाइस, सो गाइस थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, या मेरे चैनल को सपोर्ट करते हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करो, मेरे वीडियोज को शेयर करो। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, और मुझे आप अनअकैडमी में भी मेरे कोर्सेज को प्लीज रेट, रिव्यू और रिकमेंड करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ये मेरे लिए भी जरूरी है। ठीक है, और आप मुझे वहां पे कमेंट कर सकते हो, अगर आपका कोई भी डाउट है तो डाउट के केस में आप मुझे वहां पे कमेंट कर सकते हो, मैं वहां पे within 24 आवर में आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और मेरे लेसन्स को शेयर करो, और मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो करो, क्योंकि मैं वहां पे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज लेके आऊंगा। ठीक है गाइस, सो गाइस थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से चेकआउट कर सकते हो, वहां से जाके मेरे लेक्चर्स देख सकते हो। सो गाइस बाय, टेक केयर।